नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो, आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं प्रिय हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जो पहले क्वेरीज है उन सभी का आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है कि चाइल्ड कितने और कब होने के चांसेस है। तो यहाँ पर पहली बात तो आइलैंड का फॉर्मेशन और बायफोर का कसाइन बेबी गर्ल एंड बेबी बॉय टू चाइल्ड्स को इंडिकेट करता है, लेकिन ये कभी भी 100% कन्फर्म इंडिकेशन नहीं देता है क्योंकि इस कंडीशन में पार्टनर का भी हैंड एनालिसिस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दो चांसेस हैं चाइल्ड होने के, और यहाँ पर अगर लाइफ लाइन के पैरेलल बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत मेजर सपोर्टिव लाइन सभी आपकी इंक्रीज होने लग रही है। जब लाइफ लाइन के पैरेलल ऐसी सपोर्टिव लाइन आने लगती है तो 101% लाइफ में फैमिली मेम्बर्स में बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिलता है और बच्चों के द्वारा भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने लगता है। तो अगर इन सपोर्टिव लाइंस का जजमेंट यहाँ पर लिया जाए तो मेजरली जो सपोर्टिव लाइन एग्जिस्ट यहाँ पर कर रही हैं उसका एज की काउंटिंग की जाए तो 39 एंड 40 के एज में ये पीरियड दिख रहा है। और सेकंड वन जो अगेन यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, अनदर लाइन्स जैसे जनरेट हो रही है, तो उस समय आपको पीरियड 42 और 43 का भी रहेगा। तो ये कुछ मेजर पीरियड लाइन्स रहेगी 40 एंड 43 की, जिसमें कहीं ना कहीं आपको लाइफ में मेम्बर्स फैमिली के बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके जो सेकंड क्वेरी है, आपको सेकंड जॉब यहाँ पर कब मिलेगा फाइनेंशियल कंडीशन सही होने की रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन है वो कंसिस्टेंट बेस्ड रन हो रही है और हल्का सा बहुत माइनर सा एक छोटा सा यहाँ पर धुंधलापन है, लेकिन उसके बावजूद भी रेखा सीधे सैटर्न तक पहुँचा है। तो इसका मतलब ये रहता है कि अपॉर्चुनिटी तो आपकी लाइफ में अच्छी मेंटेन है, मरकरी लाइन की तरफ से थोड़ा सा ब्रेक आ रहा है। तो मरकरी लाइन जब भी ब्रेक देती है तो इस कंडीशन में जो भी आपके अंदर स्किल्स है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रहा है या फिर उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात, इस कंडीशन में पैसा आता बहुत अच्छा लेकिन रुक नहीं पाता है, खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलने लगते हैं। और तीसरी बात इसमें यह है कि हमेशा बिजनेस में या फिर कोई ना कोई इंडिपेंडेंट वर्क करने का मन होता है लेकिन कहीं ना कहीं कर नहीं पाते क्योंकि ये रेखा बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो जहाँ तक जॉब चेंजेस की बात है तो अभी तो कोई ऐसा बहुत प्रोमिनेंट साइन नहीं दिख रहा है आपके पाम में करेंट ईयर में, तो खासकर कि जिसमें आप कुछ चेंजेस अडॉप्ट कर पाए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर आप फोकस किसी प्रकार के इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस में या कंसल्टेंसी के लाइन में भी देते हैं या फिर एज ए एजेंट या मीडिएटर कोई भी काम करते हैं, वो सारे काम जिसमें आपकी स्किल्स डेवलप्ड हो सके, आपका स्पेशलाइजेशन आपके काम में हो सके या फिर आप कुछ लर्न कर सके, तो उन सब चीज़ों के लिए ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। दूसरी बात यहाँ पर उठती है कि फॉरेन से कनेक्शन क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन का झुकाव भी शुक्र पर झुक गया है और चंद्र से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो फॉरेन कनेक्शन या सेटलमेंट होने के चांसेस आपके हाथ में बिल्कुल भी मजबूत नहीं है। जहाँ तक बात करें खुद का घर ऑन करने की, तो यहाँ पर आप एक प्रोग्रेस लाइन देखेंगे जो लाइफ लाइन से निकली हुई है, और लाइफ लाइन से जब भी ऐसी सक्सेस लाइन निकलती है या फिर इनफैक्ट यही जो सपोर्टिव लाइन है ये क्या करती है, जितने भी स्ट्रेस प्रेशर बर्डन है लाइफ में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग उसको कम करती है ये सपोर्टिव लाइन दूसरों के हेल्प के द्वारा। और सेल्फ मेड जब लक लाइन होती है तो खुद का जो बहुत बड़ा डिज़ायर या एम्बिशन होता है वो कम्प्लीट होता है। हालांकि आपके हथेली में छोटे छोटे और भी प्रोग्रेस लाइन्स की अवेलेबिलिटी है लेकिन सबसे स्ट्रांगली ये रिएक्ट करा, और इसका एज अगर काउंट करेंगे तो ये निकलता है 44, यानी 44 के एज तक आते आते तक आप 100% अपने खुद के घर में रहने वाले रहेंगे और जो लग्जरीज या फिर फाइनेंशियल जो भी ट्रबल है इन केस, तो ये सारी चीज़ें भी इस उम्र तक आते आते ओवरकम 100% आपकी हो जाने वाली रहेगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो लक लाइन है ये आपके मेन लक के साथ मर्ज है और फिर ये जो लक लाइन है इसका डिलीवरी जो पॉइंट है यानी ये रेखा सीधे के सीधे सैटर्न पे एंड हो रहा है, इसलिए एट द एंड लाइफ में सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो भी काम शुरू करते हैं उसकी प्रॉपर एंडिंग होती है, अच्छी अर्निंग कैपेबिलिटी के साथ साथ स्मूथनेस लाइफ में बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए 44 का एज यहाँ पर प्योरली कन्फर्म है आपके खुद के घर के लिए। जहाँ तक बात करें आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट के विषय में, तो टर्निंग पॉइंट आपका तब आएगा लाइफ में जब आप कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस के लिए ट्राई करेंगे। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि लक लाइन की तरफ से जब भी कोई कमी होती नहीं है तो लक लाइन इसका मतलब ये होता है कि ये आपको अपॉर्चुनिटी तो दे रहा है, लेकिन जब मर्करी लाइन फुली डेवलप्ड नहीं हो पाता तो इस कंडीशन में जो भी आप जैसे जातकों में स्किल्स होता है उसका यूटिलाइजेशन कहीं ना कहीं हो नहीं पाता है। तो यहाँ पर अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर भी काम करते हैं या किसी प्रकार का बिजनेस में ज्वाइन होते चाहे पार्टनरशिप में ही क्यों ना हो, आपको देखिएगा कि आपके लाइफ में तो अर्निंग भी बढ़ने लगेगी और टर्निंग पॉइंट वहीं से आ जाएगा जब आप ये सारे काम करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका सबसे अच्छा पैसा आपके व्यापार में या किसी न किसी प्रकार से इंडिपेंडेंट वर्क में है। इसके पीछे और भी मेजर रीजंस हैं, जैसे कि यहाँ पर आप एक साइन देखेंगे जिसे कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। गर्डल ऑफ वीनस बेसिकली व्यक्ति के क्रिएटिव मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है, जिसका तात्पर्य होता है
कि आप जैसे जातक हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करने वाले होते हैं, इसीलिए बार बार अपने काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं अगर वह एक ही काम लंबे समय तक चल रहा है। इसीलिए कुछ ना कुछ नया करते रहना, आर्टिस्टिक क्वालिटी और क्रिएटिविटी को अपने काम में लेकर के आना। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि जब रेगुलर बेस्ड चेंजेस होते रहते काम में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है और स्टेबिलिटी रहती है। लेकिन अगर 9 to 5 का जॉब अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे आप, कहीं ना कहीं बार बार उसमें नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में देखने को मिलेंगे। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस बेसिकली बहुत ज़्यादा ही इनोवेटिव आइडियाज़ को क्रिएट कर देता है, और जितने भी बड़े आर्टिस्ट अभी के टाइम पे हैं या लेखक हुए हैं, पोइट जो हुए हैं, या अपने अपने फील्ड में जो बहुत ज़्यादा ही एक प्रकार से इनोवेशन के साथ क्रिएटिविटी करते चल गए, उनके सबके हाथ में ऐसी फॉर्मेशन मिला है। दूसरी बात, इसी सब रीजंस के कारण ये थोड़ा मूड स्विंग का भी इशू देता है, इसलिए इसे सपोर्टिव हार्ट लाइन के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। तो बार बार इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएट होता है, मन लायक काम नहीं हुआ तो ऑब्वियस है कि इमोशनल डिस्टर्ब होंगे आप। तो यहाँ पर जब इंडिपेंडेंट व्यक्ति वर्क करता है, अपने मन मुताबिक काम करते हैं, अपने काम के खुद मालिक होते हैं, तो चाहे लाइफ में कितना ही स्ट्रेस, स्ट्रगल या प्रेशर क्यों ना हो, वो खुद के काम से कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी और ग्रोथ आने लग जाता है। अदरवाइज आप जॉब करते रहेंगे, ये लक लाइन ऐसी है आपकी हथेली में कि कभी भी आपके जीवन में पैसों की, रिसोर्सेज की, सुख सुविधा समृद्धि की कमी नहीं होने वाला है। लेकिन जो प्रॉपर नेम, फेम या फिर मनी अपने लाइफ में चाहना है, वो आपको बेसिकली इंडिपेंडेंट वर्क अर्थात बिजनेस से ही मिलने वाला रहेगा। अभी यहाँ पर बात करते हैं आपके फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की जो लेंथ है आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट आ रही है, तो ये थोड़ा फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हरबड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए भी देखने को मिलते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कई मरतबा बिना सोचे समझे किए गए काम से या कहे गए बात से नुकसान भी ज़्यादा होता है, इसलिए प्रो कॉन्स एनालिसिस करके जो भी काम करेंगे उन सब काम में आपको सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है तो इस कंडीशन में हल्का सा कम्युनिकेशन एरर आता है, जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना या मन के अंदर बात को दबाना। इस कंडीशन में बचपन में शर्मीलेपन के साथ स्टेज फियर और थोड़े बोलचाल में भी डिफ़िकल्टीज होते हुए देखने को मिलता है। कभी भी आपको एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए क्योंकि उन सभी कार्यों में मैनेजमेंट डिस्टर्ब होने लगता है, पंचुअलिटी डिस्टर्ब होने लगता है। तो कोशिश यही करें कि एक समय पर एक ही काम करें ताकि हर काम में परफेक्शन व स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलने लगे। डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग या फिर मनी मैनेजमेंट में हल्का सा डिस्टर्बेंस भी ये देता है। बिजनेस अगर कर रहे हैं तो अपना मैनेजमेंट स्ट्रांग रखने के अंतर्गत किसी पर्सन को हायर भी आप कर सकते हैं। थर्ड फिंगर के लेंथ ज़्यादा स्ट्रांग है तो ये क्या करता है, रिस्क टेकर बनाता है। तो कोई भी नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी है आपकी, अर्थात खुद के मेहनत, पराक्रम, कोशिश से जीवन में ज़्यादा तरक्की कर पाते हैं। फर्स्ट फिंगर के लेंथ शॉर्ट है तो ये बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर देता है। आप जैसे जातक वो होते हैं कि अगर सामने वाले ने कहा 10 - 2 = 100, आप बोलेंगे हाँ सही है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि करना ही नहीं उतनी बहसबाजी, अपना अधिकार जमाना ही नहीं है, अपने आप को सही या अपने नॉलेज को शो करना पसंद ही नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप होते थोड़ा तो अधिक खर्चीलापन ये देता है। पैसों पर नियंत्रण ज़्यादा नहीं होता। सैटर्न की उंगली जब टिल्टेड होती है तो हार्ड वर्किंग नेचर देखने को अधिकतर मिलता है, और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा बहुत ही मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाता है, यानी आप तकरीबन सभी व्यक्ति से अच्छे मधुर संबंध बना करके लंबे रिश्ते निभा पाने में सक्षम देखने को मिल रहे हैं। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो आपका विजन क्लियर नहीं है, आप अपने डिसीजंस में बार बार चेंजेस करते रहते हैं। इसीलिए तो कहा गया आपको कि शॉर्ट फिंगर भी है आपका, तो आप एनालिसिस करके काम करें, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इंटरनल मार्स और फैलेंजेस दोनों डेवलप ठीक है, तो शारीरिक हष्टपुष्ट किस्म का व्यक्तित्व है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, स्टेमिना, एनर्जी बहुत अच्छा होता है इसमें। जो आपका थंब है वो ना ज़्यादा शॉर्ट है ना ज़्यादा लॉन्ग है, लेकिन ये जो थंब है फ्लेक्सिबल बहुत है, तो इस कंडीशन में रात गई बाद गई वाला नेचर होता है। किसी बात को लंबे समय तक अपने दिल में बसाए रखना, दिमाग में बिठाए रखना, ये आदत नहीं होता है। लेट गो, मूव ऑन कर पाने में बहुत अच्छे सक्षम देखने को मिलते हैं, बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ भी कर देते हैं। आप जैसे ज़्यादा स्ट्रेस दूसरों का ज़्यादा लेकर के नहीं चलते हैं, इसीलिए ये थोड़ा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड पर्सनैलिटी क्रिएट करता है। एक इसमें कमी ये हो जाती है कि कोई भी डिसीजन जब लेते हैं तो वो लंबे समय तक उस पर आप वर्क नहीं कर पाते हैं,
क्योंकि जब फ्लेक्सिबल थंब ज़्यादा देखने को मिलता है तो बार बार अपने लिए गए डिसीजन या प्लानिंग में चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर यव का जो चिन्ह है वो ओपन है, तो पैसा तो जीवन में आएगा ठीक, लेकिन रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे आपके, ये भी इस बात को कंफर्म कर रहा है। दूसरा, अध्यात्म में रुचि बहुत होता है, लेकिन लगातार कीर्तन भजन या अध्यात्म में जुड़े रहना नहीं होता है। मतलब थोड़ा अध्यात्म में भी टेक्निकल, एक प्रकार से टेक्निकलिटी यूज़ करते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको इंट्यूशंस आते हैं लेकिन प्रोमिनेंट नहीं आते, आपका कनेक्शन ऊपर वाले से बहुत अच्छा लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप इस कंडीशन में रेगुलर बेस्ड मेडिटेट करते हैं या फिर दान धर्म पूजा पाठ करते हैं, तो इससे क्या रहेगा कि ये जो यव का साइन है ये बहुत लक्की साइन होता है। किसी के हाथ में जब होता है तो उसको घर परिवार का सुख तो बचपन से ऐसा ही मिल जाता है, और ऊपर से अध्यात्म से तो इतना लाभ मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। 99% केसेस में जब यव का साइन होता है प्रोमिनेंट, उनको घर का सुख मिलता है या फिर वो घर बना पाते हैं। अब आपके केस में ये ओपन है, आप कब से चाह रहे हैं घर, लेकिन वो हो कब रहा है 44 में। तो इसीलिए जो दान धर्म हो, पूजा पाठ हम जो करते हैं या फिर जो एक प्रकार से धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति ज़्यादा रखने लगते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो कनेक्शन है बहुत स्ट्रांग होता है। इंट्यूशन का सबसे मेन कारक है ये, और कर्मों का भी मेन कारक है। तो इस कंडीशन में जो भी फिर चाहते हैं वो फिर बहुत प्रोमिनेंट बेस्ड होने लगता है। इसीलिए तो जिसका यह वो क्लियर कट है उसका ग्रेसपिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, आपका भी है, लेकिन इस कंडीशन में ये जो थोड़ा ओपन है तो कहीं ना कहीं प्लानिंग भी आप अच्छी कर लेते हैं, एग्जीक्यूट करने में आपको डिफिकल्टीज इस कंडीशन में आएगा। पाम का जो आपका साइज़ है वो आपकी लंबाई में बहुत अच्छा है, तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि ये थोड़ा इंस्पिरेटिव मोटिवेशनल टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। जुपिटर के ऊपर जब आड़ी रेखा क्रॉस करे तो ये अध्यात्म रुचि, तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि देता है। जब भी मंगल से शनि की तरफ रेखा जाती है तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्पोर्ट्स स्पिरिट आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। स्पोर्ट्स स्पिरिट का हस्त रेखा में मतलब यह होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ठोकर मिला, चुनौती आई, तकलीफ परेशानी से अगर आप गुजरे, तो आप उसको एज अ मोटिवेशन इंस्पिरेशन लेकर के चलेंगे और अपने आप को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रखेंगे कि चलो जो भी कुछ हुआ, अच्छा हुआ, एक्सपीरियंस गेन हुआ, ये एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी भाग्य चाहिए होता है। ऐसी बातें निकलती हैं आप जैसे जातकों के मुंह से। तो ये कॉम्बिनेशन जो है एक प्रकार से हेल्दी पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, और यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन है तो ये ऑब्वियस है कि ये हाई थिंकिंग अप्रोच को इंडिकेट कर रहा है। तो कभी भी आपने अपने थिंकिंग, डिजायर या ड्रीम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो जुपिटर एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है आपका, तो नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होते हुए करियर के रिगार्डिंग टॉप पोजिशन में पहुँचते हुए और मैरिड और फैमिली लाइफ में सेटिस्फेक्शन व स्टेबिलिटी होते हुए सब के सब ये दर्शा रहा है। अभी यहाँ पर भी क्या है कि रेक्टेंगल का प्योर साइन नहीं बन पाया, लेकिन अगर इन फ्यूचर ये बनता है तो प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी दोनों एक साथ लाइफ में आने लगेगा। सैटर्न माउंट के ऊपर जब भी जो यहाँ पर शनि की रेखा है वो हृदय रेखा से कनेक्टेड होकर के निकलती है, तो इसे ट्रुथ लाइन कहते हैं। तो इस कंडीशन में झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति ज़्यादा होने के कारण ये न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है, किसी के साथ बुरा भी देख नहीं पाते, और इसे अपॉर्चुनिटी लाइन भी इनफेक्ट कहते हैं। तो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की, काम की कोई भी कमी होती नहीं है। वी सिंबल का साइन जब भी शनि के क्षेत्र पर होता है बहुत कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल, कम्फर्टेबल ओल्ड एज और गुड अर्निंग कैपेबिलिटी ये देता है। अब क्या हो रहा है कि जो सेटन की आड़ी रेखा है, यानी माफ़ करें, सेटन से जो आड़ी रेखा गुजर रही है, इसका मोटिव आपके लक को कम करना नहीं है, ये तो गडोल ऑफ वीनस का साइन है, लेकिन ये क्या शनि के क्षेत्र को ऐसा कवर करता है, तो इस कंडीशन में कोई काम एक सिंगल मेहनत से पूरा नहीं होता या फिर सेटिस्फेक्शन एक एक बार में नहीं मिल पाता, ये थोड़ा इश्यूज देता है। तो इस कंडीशन में जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं, मेडिटेट करते हैं, सुबह जल्दी उठ के जॉगिंग करते हैं, जैसे 5 बजे उठ करके ये सारे कार्य करना, तो इससे क्या फ्रेश एयर अंदर जाता है, तो शनि वायु तत्व है, वायु कारक है, तो इन सब चीज़ों से जिस जिस भी प्रकार के अवसाद, अपवाद या तमाम तरह के जो मानसिक तनाव या फिर उदासीनता, जो भी कुछ ऐसा या मूड स्विंग्स, ये सब खत्म होते हैं लाइफ में। सूर्य की स्थिति में क्या है कि सूर्य की जो रेखा वो प्रोमिनेंट नहीं है आपके पाम में, तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपका जो डेडिकेशन है वो क्लियर नहीं है, विजन जो है वो भी क्लियर नहीं है, फोकस वो भी क्लियर नहीं है। सूर्य हमको नेम फेम क्यों देते हैं, क्योंकि हम उस काम में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उस काम से हमारी पहचान हो जाती है। जब सूर्य की रेखा कमज़ोर हो तो बार बार काम में परिवर्तन करने का मन या फिर किसी काम से प्रोमिनेंट नेम या सक्सेस मिल नहीं पाता है। मेरे किसी बात से आघात मत होइएगा, ये सारे कॉम्बिनेशन एट प्रेजेंट अभी लाइफ में चल रहे हैं, इसको आप चाहें तो बिल्कुल सही कर सकते हैं।
सुर का रेमेडी के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी और फोकस होने के साथ साथ हाथ धोकर के पीछे पड़ना पड़ेगा किसी काम में, तब जाके ये सूर्य मजबूत होगा, तब जाकर प्रॉपर आपको नेम, फेम, रिस्पेक्ट या सक्सेस मिल पाएगा। अदरवाइज बार बार काम के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन आएगा। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में खुद का ज्ञान, दूसरों के काम अच्छा आता है, और जो ये रेखा बीच में जा रही है इसे यशस्वी योग कहते हैं। तो इस कंडीशन में खुद के दम पर अपना घर बना पाते हैं। मरकरी माउंट डेवलप ठीक है, एक से अत्यधिक रेखा, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी इंडिकेट करता है। किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है अथवा किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना है, इस प्रकार का मरकरी बहुत अच्छा दर्शाता है। तो जीवन में कभी भी काम, लोग और धन, इन तीनों चीज़ों की कभी भी कमी नहीं आएगी। हृदय रेखा एकदम स्मूथली रिएक्ट कर रहा है आपका, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है उसमें। और जुपिटर से कंजंक्ट है, तो इस कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक नेचर भी देता है, अर्थात खाली बैठना पसंद नहीं होता, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रहना, ये बेसिक नेचर में होता है। ये बेसिकली प्रैक्टिकल, लॉजिकल, थोड़ा पर्सनैलिटी देता है और हिडन नेचर भी देता है। लेकिन ये जो सपोर्टिव लाइन जा रही है ये इमोशनल नेचर देती है, इसीलिए आप अपने कभी भी दुख तकलीफ किसी से साझा नहीं करेंगे, लेकिन हर व्यक्ति को दुख तकलीफों में उनके साथ जरूर खड़े रहेंगे। माइंड लाइन में जब भी हल्के फुल्के आइलैंड बनते हैं तो थोड़ा तो स्ट्रगलिंग पीरियड ये गुजारता है मेंटल स्ट्रेस या टेंशन दे करके, और ये पीरियड 22 तक का तो दिख रहा है। 22 के बाद में आपको प्रॉपरली इंडिपेंडेंसी मिलेगी, चलिए आप अपने मन मुताबिक काम करिए, डिसीजन लीजिए। लेकिन उसके बाद जो देखेंगे, माइंड लाइन में इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, लेकिन धीरे धीरे अब माइंड लाइन बहुत स्टेबल होता दिख रहा है। और ये कब से हो रहा है, ये अराउंड 40 के एज से ही हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं, क्योंकि माइंड लाइन जब भी ऐसा स्मूथ हो जाता है, देखिए ये प्रोग्रेस लाइन के बाद स्मूथ हुआ है। प्रोग्रेस लाइन किधर, जो कि मरकरी पे, तो मरकरी क्या कराती है, बिजनेस या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क, और अर्निंग कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज कर देती है। तो माइंड लाइन जब ऐसे स्मूथ चलता है तो ये पीसफुलनेस को इंडिकेट करता है, और धीरे धीरे ये इन्फेक्ट और ज़्यादा बढ़ ही रहा है। तो माइंड लाइन जब बढ़ता है तो ज्ञान और निर्णय लेने की सक्षमता में बहुत अधिक सुधार होने लगता है। ग्रेसिपिंग स्किल, ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी, एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ने लगता है। इसीलिए तो आपके लिए मरकरी लाइन भी क्रिएट अच्छा होने लग रहा है। और अगर इन फ्यूचर ये किसी भी कारणवश से प्रोमिनेंट हो गया, तो मनी ट्रायंगल जब बन गया फिर तो पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। पैसा इतना बेहतरीन आने लगेगा, कभी चिंता नहीं करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में जो सपोर्टिव लाइन एग्जिस्ट करना शुरू हुई, उस समय आपकी उम्र थी 28 एंड 9, यानी इसी उम्र से आपको आपके स्पाउस के, दूसरे लोगों का सपोर्ट मिला। फिर दूसरा जो सपोर्ट सिस्टम रेडी हो रहा है वो हो रहा है 33 एंड 4 के एज में, और थर्ड वन 38 में, और फोर्थ वन 42 एंड 3 में। ये सभी एजेस ऐसे रहेंगे जिसमें और नए नए व्यक्ति या नए नए किस्म की चीज़ें आपके जीवन में ऐसी जुड़ेंगी जो आपको हर किस्म का हेल्प करेगी आपके लाइफ स्टाइल को बेटर करने के लिए। लाइफ लाइन का फ्लो जब भी शुक्र की तरफ जाता है तो फैमिली से दूर नहीं रह पाते, फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट, लॉयल देखने को मिलते हैं। और इसीलिए यहाँ पर फिश सिंबल भी है, जिसके कारण लाइफ में सडन गेन और प्रोग्रेस, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य है निर्मित करता है। अंदरूनी अथवा बाहरी मंगल की स्थिति सामान्य है, तो शारीरिक गठन, मानसिक बल ठीक है, शुक्र डेवलप ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये शौकीन किस्म का नेचर देता है, और इस कंडीशन में प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख अथवा अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी, यूनिक चॉइसेस, और कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, यहाँ पर यह ऐसा शुक्र बनाता है। तो ये संजीवनी का कारक भी होता है, जिसके कारण अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा रहन सहन, हर प्रकार के कंफर्ट्स का लाभ अपने जीवन में उठा पाते हैं। चंद्र का क्षेत्र विकसित ठीक है, तो सोचने समझने की सक्षमता, काल्पनिकता, ऐसा चंद्र अच्छा देता है। और लेफ्ट हैंड में लक लाइन की बात करें तो देख सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट लक और सेल्फ मेड लक लाइन, ये दोनों रन कर रहा है। फिर माइंड लाइन से अलग लाइन क्रिएट होते हुए जा रही है, तो खुद की बुद्धिमत्ता, खुद के निर्णय से आप जो भी काम करेंगे सोच विचार के, उन सभी से आपको लाभ मिलेगा। शनि का क्षेत्र थोड़ा दबरा है, तो आपके हर काम में थोड़ी तो देरी आ जाती है, या फिर आपको खुद ब खुद डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये काम सही ढंग से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन में जो कॉन्फिडेंस है हल्का सा वीक जाता है, लेकिन शनि से जब भी सूर्य की रेखा निकलती है तो इस कंडीशन में हार्ड वर्क के द्वारा नेम, फेम, रिस्पेक्ट अपने लाइफ में खुद के दम पर क्रिएट कर पाते हैं। और ये सब कब से होगा, ये सब होगा आपको 44 से लेकर के 47 के एज से, एज के मिड में, यानी इसी पीरियड में प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट और मनी, वेल्थ, सब चीज़ आपका और घर, सब चीज़, ये इन सब चीज़ों के द्वारा आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।